नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाली ट्रेन से एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाली ट्रेनों का परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको जयनगर से जनकपुर तक चलने वाली ट्रेनों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत के सीमावर्ती से सटे जयनगर स्टेशन से जनकपुर कुर्था नेपाल के लिए 34 किलोमीटर तक ट्रेनों का परिचालन अगले माह यानी अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के आसपास तक शुरू होने की पूरी संभावना है। नेपाल सरकार जल ट्रेन परिचालन को लेकर डेट अलाउंस कर सकती है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, काठमांडू में भारतीय दूतावास और नेपाल के परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई है, जिसके बाद जयनगर जनकपुर ट्रेनों को 11 अक्टूबर को नेपाल सरकार को सौंप दिया जाएगा। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाली ट्रेन परिचालन से मिथिलांचल के लोगों में खुशी का माहौल दिख रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, 24 सितंबर 2021 को जयनगर से इनरवा तक रेल अधिकारियों ने स्पीड ट्रायल किया था, जिसके बाद से ही जयनगर जनकपुर नेपाली ट्रेनों के चलने की उम्मीद जगी है। नेपाल सरकार की ओर से ट्रेनों को चलाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने दुर्गा पूजा के आसपास तक किसी भी डेट को रेल परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। नेपाल सरकार ट्रेन परिचालन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 11 अक्टूबर को नेपाली ट्रेन नेपाल सरकार को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।